मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? इससे पहले कि शुभारंभ हो, अगेन पीछे देखिएगा स्क्रीन जिस पर लिखा है 25% हाइक। पिछले 2 साल के इतिहास की पहली बार हाइक होने वाली है, परंतु इससे पहले हो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कहिए कि वो जल्दी से ऑप्ट कर ले, अदरवाइज इट वुड बी 25% हाइक फॉर देम। गेटिंग इट? चले, अनएकेडमी ने बहुत टाइम बाद हाइक की है, तो इसलिए टेल देम कि इस हाइक से पहले ही वो इसे ले लें, अदरवाइज 25% हाइक हो जाएगा। अच्छा जी, सुनिएगा, एक और जरूरी सूचना। आप में से जिनका भी ग्रुप 1 का इस बार एग्जाम है मई में, और नवंबर में ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 के लिए इलेक्टिव लॉ की क्लासेस ओपन फॉर ऑल बैच आ रहा है, ओपन फॉर ऑल बैच ग्रुप 2 के लिए। जैसे एग्जाम ओवर होंगे, जनवरी जून 10 से ये बैच शुरू हो जाएगा, 10 जून के करीब ये बैच शुरू हो जाएगा, या फर्स्ट वीक ऑफ जून से ये बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन फॉर ऑल होगा। अगेन, फर्स्ट ग्रुप के एग्जाम खत्म होने के बाद होगा। हाँ जी, वापस आता हूँ। आईबीसी के अंदर हम 54K तक कर चुके थे, HIJKL। अब अपन आ रहे थे L पर। अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। चलो जी, तो जी हमारा अगला सेक्शन है अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। 54K तक अपन लोग कर चुके थे। तो आज उससे आगे की कथा शुरू करने जा रहे हैं, जहां हम बात करने जा रहे हैं 54L की, जो कहता है अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। जी, रेजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल कौन करेगा? वैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगी। ठीक है जी, कितने दिन में करेगी? हम ऑलरेडी इसकी चर्चा भी कर चुके हैं कि ऑलरेडी ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूवल करती है, ये कितने दिन में करती है? द आंसर इज 30 डेज। बस इसमें इसी की चर्चा है। आइएगा, 54L की समरी बनाइएगा पहले। 54L की समरी बनाइएगा जी पहले। 54L, सेक्शन 54L, अप्रूवल ऑफ प्लान।
क्या कहते हैं जी अप्रूवल ऑफ प्लान के बारे में? फिफ्टी फोर एफ नहीं किया है अभी, हाँ पता है वो, शाबाश तुम ही करोगे होमवर्क में। फिफ्टी फोर डी भी नहीं किया ऐसे तो हमने। ये कहता है जी इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड, जो उसको प्लान अभी तक आप सबमिट कर चुके हो और वो प्लान जो कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर एग्री भी कर चुका है अंडर सेक्शन 32 की सेटिस्फाई भी कर रही है कंडीशन, कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई है कि ये जो रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय सीओसी मीट्स 32, तो ये क्या करेगी विद इन 30 डेज इस प्लान को अप्रूव कर देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अप्रूव द प्लान। परंतु अप्रूव करने के लिए एक और कंडीशन है, अप्रूव करने से पहले इसे यह भी देखना पड़ेगा कि प्लान ऐसा होना चाहिए कि जिसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो पॉसिबल हो। अप्रूव ओनली इफ सेटिस्फाइड दैट इंप्लीमेंटेशन जो है वो पॉसिबल है। कि प्लान का जो इंप्लीमेंटेशन है वो पॉसिबल है अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड है, इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड, क्या कि प्लान जो है 32 को मीट नहीं कर रहा, रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट मीट 32, तो ये क्या करेगी, रिजेक्ट कर दे प्लान को, प्लान को रिजेक्ट कर देगी अगेन विद इन 30 डेज। रिजेक्ट द प्लान, जब ये रिजेक्ट कर देगी तो फिर साथ में ऑर्डर कौन सा पास करेगी, लिक्विडेशन का, कि चलो लिक्विडेशन में चलते हैं बेटा, तुम्हारे बस का नहीं है, चलो लिक्विडेशन में चलो, यानी कि इसे कहते हैं ऑर्डर अंडर सेक्शन 54N, ऑर्डर अंडर सेक्शन 54N। ठीक हो गई इतनी बात भी? और आगे बढ़ सकते हैं? चले, फिर कहता है कि सपोज इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास्ड एन ऑर्डर, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, कहां पास किया, अंडर सेक्शन 54J सबसेक्शन 2, फटाफट किताबें घुमाओ, फटाफट किताबें घुमाओ, फटाफट, और देखो 54J सबसेक्शन 2 में क्या लिखा था, प्लस रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय सीओसी अंडर सेक्शन 54K4 और 54K12, ये बहुत बार आएंगे ये दोनों सेक्शन, राम लखन की जोड़ी है ये, फटाफट इन तीनों सेक्शन को फटाफट रिकॉल करो जी, रिकॉल। अगर तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया 54J2 के अंदर, 54J2 क्या था अगर आपको याद हो, जहां पर मैनेजमेंट की सारी पावर किसको दे दी गई थी, जहां मैनेजमेंट की सारी पावर किसको दे दी गई थी, अरे बोलो ना, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे दी गई थी,
वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स विद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। पूरा मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स किसके पास दे दिया गया था? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। प्लस प्लस यानी कि एंड है, एंड। फिर रेजोल्यूशन प्लान जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने पास किया वो 54K सबसेक्शन 4 में किया। 54K सबसेक्शन 4 का मतलब क्या था? बीआरपी अप्रूव्ड हुआ था, बीआरपी एज इट इज, कोई इंपेयरमेंट नहीं था, याद है? बीआरपी एज इट इज अप्रूव्ड हुआ था क्योंकि नो इंपेयरमेंट था। आप जिन्होंने घर से नहीं पढ़ा और उठ के पजामे और हवाई चप्पल में आके बैठ गए आज की क्लास में पिछली क्लास देखे बिना, तो उनके तोते उड़ रहे होंगे क्योंकि सारे सेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं। तो आराम से क्लास को आप बाद में देखना और क्या कर सकते हो। हाँ जी, या फिर रेजोल्यूशन प्लान जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने अप्रूव किया वो 54K सबसेक्शन 4 में किया, यानी कि बीआरपी को अप्रूव किया एज इट इज, ठीक है। और 54K12 में किया। 54K12 क्या था? जहां पर बीआरपी ने दूसरे आरपी के साथ कंपटीशन किया था और सीओसी ने बेस्ट प्लान सिलेक्ट किया था, याद करो। तो रेजोल्यूशन प्लान सिलेक्टेड बाय सीओसी आफ्टर कंपटीशन बिटवीन बीआरपी एंड आरपी। तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स आरपी के पास चला जाएगा एंड फिर उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान जो सीओसी ने अप्रूव किया या 54K2K4 में किया, 54K12 में किया, सारा मैनेजमेंट आरपी के पास था, प्लान भी एज इट इज अप्रूव हो गए, मगर बदतमीजी की हदें तब पार हो गई जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने यह देखा कि ओ माय गॉड, प्लान के अंदर मैनेजमेंट चेंज हो रहा है परंतु नया व्यक्ति तो कोई आ ही नहीं रहा। अबे वही के वही, यानी कि प्लान डज नॉट चेंज मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर टू न्यू पर्सन। हे मत जी, इसका मतलब सारे मिले हुए हैं साजिश में, सब के सब आपस में मिले हुए हैं, एक घिनौना खेल चल रहा है जहां पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तक मिला हुआ है, बीआरपी प्लान अप्रूव कर दिया सीओसी ने, मयंक कहते हैं अगर 54J अप्लाई हो गया तो बीआरपी कौन बनाएगा? बीआरपी तो एनी हाउ कॉर्पोरेट डेटर बना के जमा करा चुका है, 54J तो बाद में लगा है। तो फिर अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 2 जी या तो इस प्लान को रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्ट सच प्लान, या टर्मिनेट कर देगी पीआईआरपी को, प्लस लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगी, लिक्विडेशन ऑर्डर, और या फिर डिक्लेयर कर देगी नहीं सब में प्लस है रिजेक्ट कर देगी इस प्लान को, टर्मिनेट कर देगी पीआईआरपी को, साथ में लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगी एंड डिक्लेयर कर देगी कि ये जो पीआईआरपी की जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है ये अब लिक्विडेशन की कॉस्ट मानी जाएगी, यानी कि पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। तो जितनी पीआईआरपी की कॉस्ट है अब ये सारी की सारी किसकी कॉस्ट मानी जाएगी? द आंसर इज लिक्विडेशन की कॉस्ट मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन मानी जाएगी।
तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस तरीके का ऑर्डर पास कर देगी। यहां तक हो गया तो मुझे डन का मैसेज दे दीजिएगा प्लीज। आइए एक बार पढ़ना शुरू कर देते हैं 54L, अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। क्या कहता है लॉ? कहता है इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मीट्स द रिक्वायरमेंट एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन 30, 32। अच्छा, अच्छा लिखने दीजिए। ओहो लिखा नहीं था, अरे रे 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 रे। अच्छा एक क्वेरी आ रही है कि सर प्लान में तो अब वो मैनेजमेंट में तो अब आरपी आ गया ना। ओ प्रभु, आरपी आ तो गया अगर हमेशा के लिए थोड़े ना आया है। वो क्या जवाई बन गया है यहां पे? आरपी अभी के लिए आया है बट आरपी कंपनी को टेक ओवर करवाएगा ना भाई। आरपी कंपनी का टेक ओवर करवाएगा और जिससे वो टेक ओवर करवा रहा है वो कोई नया मैनेजमेंट नहीं, वही पुराना मैनेजमेंट में। तो इसका मतलब सभी चोर हैं, चोर चोर मोसारे भाई। और ये ट्राइब्यूनल का पप्पू बनाना चाह रहे हैं। साइड में भी हो जाऊं? अरे यार कमाल हो गया, स्टूडियो से बाहर निकाल रहे हैं। चलो जी, सीओसी ऐसा हो क्यों होने देगी कि मैनेजमेंट वही पुराना रह जाए? देखो सीओसी कहेगी मेरे पैसे दे दो बाकी तुम बाढ़ में जाओ, ऐसी तैसी कराओ, छत से छलांग मारो, पहाड़ से कूद जाओ, मुझे क्या मतलब है? मुझे क्या मतलब है? मुझे कोई मतलब नहीं है। चले पड़ेगा If the adjudicating authority is satisfied, then the resolution plan as approved by the committee of creditor meets the requirement as referred in section 30 subsection 2, it shall within 30 days of the receipt of such resolution plan, it shall within 30 days of receipt of such resolution plan by order approve the resolution plan. 30 din ke andar approval aa jayega, okay. Provided that adjudicating authority shall, before passing an order for approval of the resolution plan, satisfy itself that the resolution plan has the provision for its effective implementation. तो भैया प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का स्कोप हो, ठीक है ना? आगे द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 1 शेल हैव सच इफेक्ट as provided under subsection 1, subsection 3, subsection 4 of section 31. यानी कि जो order adjudicating authority pass करेगी ये बिल्कुल वैसा ही है जो कि 31 में pass हुआ था, मतलब this order shall be effective on all the stakeholders. अच्छा, that is this order shall be effective On all, सभी के सभी स्टेक होल्डर के ऊपर यह ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। चले वेद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई दैट द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई है कि रेजोल्यूशन प्लान जो है कंफर्म नहीं करता रिक्वायरमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1, मतलब सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता, यानी कि 32 को पूरा नहीं करता, डेट इज 32 नॉट कंप्लाइड,
तो फिर क्या होगा, इट मे विद इन 30 डेज ऑफ द रिसेप्ट ऑफ सच रेजोल्यूशन प्लान बाय एन ऑर्डर रिजेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान एंड पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 54N. तो प्लान रिजेक्ट, एन ऑर्डर पास होगा अंडर सेक्शन 54N. कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना. हाँ वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज पास्ड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 54J. लिंक लिंक लिंक. अब ये ऐसे सेक्शनों की लैंग्वेज बनाई है कि पूछो मत, क्लिक करना पड़ेगा. एंड द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर अंडर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 12 एज द केस में बी ऑफ सेक्शन 54K. घूमते रह जाओगे. डज नॉट रिजल्ट इन द चेंज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू अ पर्सन हु वॉज नॉट अ प्रमोटर और इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर rejecting such resolution plan, okay, terminating the PIRP and passing a liquidation order in respect of the corporate debtor, declaring that the PIRP cost, if any, shall be included as a part of the liquidation cost for the purpose of liquidation of the corporate debtor. लो जी, ये हमारा था 54L. डन का मैसेज मिल सकता है, एक बार चाहो तो फटाफट पढ़ के देख लो खुद. हमने देखा प्लान अप्रूव किया जा सकता है, हमने कहा प्लान रिजेक्ट किया जा सकता है, हमने कहा प्लान रिजेक्ट के साथ साथ लिक्विडेशन ऑर्डर भी पास किया जा सकता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑर्डर्स अपन लोगों ने देख लिया. नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता है जी, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 54L. 54L क्या कहता है? 54L ने कहा कि ऑर्डर पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ जहां पर उसने अप्रूव कर दिया रेजोल्यूशन प्लान उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो? बिल्कुल. सेक्शन 61 में जो ग्राउंड थे, सेक्शन 61 में जो ग्राउंड थे केवल उन्हीं के ऊपर ही अपील फाइल की जा सकती है. दोबारा बोलता हूं, सेक्शन 61 के जो ग्राउंड थे केवल उन्हीं के ऊपर अपील फाइल की जा सकती है. भैया एक अपील सबको बड़े ध्यान से सुन लेना, क्लास चल रही है आईबीएसई की, फेमा की अगर क्वेरी लिखनी है बंद करो यहां से और चुपचाप घर पे बैठ जाओ बेटा, ना खुद परेशान करो ना मुझे परेशान करो, यहां पे ध्यान दो. इसमें क्वेरी है तो लिखो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ घर पे अगर फेमा की क्वेरी है तो. ये क्लास आईबीएसई की चल रही है, नालायक फेमा फेमा कर रहे हैं. अब अगर फेमा की कोई क्वेरी आई तो वो बंदा ब्लॉक हो जाएगा, यहां पे ध्यान दो. कमाल कर दिया, आईबीसी चल रहा है, टेक्निकल टॉपिक चल रहा है, फेमा ऐसी तैसी कर रहा है फेमा. आगे बढ़ते हैं. अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 54L. तो 54M क्या कहता है? एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान. अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने प्लान को अप्रूव किया है कहां पर? 54L के अंदर. तो क्या उसके खिलाफ अपील सेक्शन 61 में जैसे अपील फाइल हो सकती थी ना, सेक्शन 61 में एनसीएलएटी को अपील फाइल होती थी, बिल्कुल उन्हीं ग्राउंड्स पे यहां पे भी अपील फाइल हो सकती है. ओके, फिर अगला हमारा सेक्शन आता है टर्मिनेशन ऑफ द पीआईआरपी
टर्मिनेशन ऑफ द पीआईआरपी सेक्शन 54N, सेक्शन 54N टर्मिनेशन ऑफ द पीआईआरपी। जी क्या कहता है जी टर्मिनेशन ऑफ पीआईआरपी में सेक्शन 54N आएगा, शुरू करते हैं। सेक्शन 54N टर्मिनेशन ऑफ पीआईआरपी जी कहता है जी वेयर जो रेजोल्यूशन प्लान आपने फाइल किया था, सॉरी गलत हो गया, वेयर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने फाइल की एप्लीकेशन विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वेयर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल एन एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ओके रिजल्ट क्या रहा, अंडर सेक्शन 54K12 और अंडर सेक्शन 54D3। बाप रे, फटाफट सेक्शन पे आओ, फटाफट सेक्शन पे आओ, मतलब बुक पे रिस्पेक्टिव सेक्शन पे जाओ कि वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एप्लीकेशन फाइल की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 54K12 डेट इज प्लान अप्रूव ही नहीं हुआ, प्लान नॉट अप्रूव्ड बाय COC। देखिए जरा 54K12 आइए देखते हैं, 54K12 भी आइएगा, ये देखिएगा, द रेजोल्यूशन प्लान सिलेक्टेड फॉर अप्रूवल मे बी अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रिएटर, उल्टा लिख दिया ना मैंने, मे बी अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रिएटर फॉर द सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, 54D में था प्लान नॉट अप्रूव्ड। नहीं 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 एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 54N हाँ अब सही है सही है, लिखेगा अंडर प्रोवाइजो, मैं मेन सेक्शन लिख रहा हूं to 54K12, यानी कि प्लान नॉट अप्रूव्ड बाय द सीओसी, अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एप्लीकेशन फाइल की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, किस लिए एप्लीकेशन फाइल की, क्योंकि प्लान को सीओसी ने अप्रूव नहीं किया। हाँ मुझे, मेरे को भी लग रहा है आज मेरे बालकनी पे जाना पड़ेगा, आप सराय मेरे यहां पे भी नाच रही होंगी क्योंकि सेक्शन गलत लिख दिया मैंने, तो प्रोवाइजो प्रोवाइजो गलती हो गई भाई, क्या करूं, मेरे को सेक्शन याद था वो प्रोवाइजो था उसका, हो गई गलती यार, कोई दिक्कत नहीं, कमॉन पोपली कमॉन, ऐसा नहीं करने का। आगे दोबारा से पढ़ता हूं, दोबारा देखिएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एप्लीकेशन फाइल की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, क्योंकि
अंडर प्रोविजो 54K सबसेक्शन 12, क्योंकि प्लान जो है सीओसी ने अप्रूव नहीं किया, या फिर 54D3 यानी कि अगेन 54D3 में क्या, अगेन नो प्लान अप्रूव्ड बाय द सीओसी। मैंने 54D3 करवाया नहीं है ना अभी, डेट इज यहां पे आएगा नो प्लान अप्रूव्ड बाय सीओसी। विद इन गिवन टाइम फ्रेम 90 दिन के अंदर अंदर हम देखेंगे कोई प्लान सीओसी ने अप्रूव नहीं किया। 90 दिन के अंदर अंदर सीओसी ने कोई प्लान अप्रूव नहीं किया था। ओके, तो दोनों ही केसेस ऐसे हैं जहां पर प्लान या तो रिजेक्ट हो गया, प्लान नॉट अप्रूव डेट इज रिजेक्टेड, या फिर 90 दिन के अंदर अप्रूव नहीं कर पाए सीओसी वाले और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एप्लीकेशन फाइल कर दी। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने यह नालायक मजाक उड़ा रहे, एक छोटा सा प्रोवाइजो लिखना भूल गया, नालायक कह रहे हैं रशिया में सब ठीक है, हां सब ठीक है, मिलने चलना है, करवा दें बुक, बस बुक करवा दूं यार। मौला मेरे ले ले मेरी जान। तो अब होगा क्या, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, शेल विद इन 30 डेज टू ऑर्डर। 30 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर देगी। किस लिए ऑर्डर पास कर देगी, कि ऐसी तैसी कराओ, भाड़ में जाओ, निकल जाओ यहां से, शकल मत दिखाओ, बताओ, टर्मिनेट कर देगी। पीआईआरपी को टर्मिनेट कर देगी, किसको, पीआईआरपी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ओके, प्लस मैनर ऑफ, साथ में बताएगी कि वो जो प्रोसीडिंग चल रही थी ना, कौन सी वाली, अरे वो अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन वाली, ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन टू कंटिन्यू। कौन सी ट्रांजैक्शन, अरे यार वही वाली फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, ये वो सारी प्रोसीडिंग चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। अच्छा, परंतु मुझे अगर ये बात बताइएगा कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने टर्मिनेट कर दिया पीआईआरपी को, तो अब जो भी कॉस्ट इनकर हुई है, जो भी, क्योंकि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आया, उसकी सैलरी वगैरह, तो जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई है, तो वो कॉस्ट अब कौन बियर करेगा। द आंसर इज कॉर्पोरेट डेटर, क्योंकि उसी को ही चुल मची थी ना, चुल किसको मची थी, आग किस में लगी थी, कॉर्पोरेट डेटर ने, क्योंकि उसी ने तो पीआईआरपी शुरू की थी, ठीक है ना, उसने बीआरपी लाया, कोई सीओसी ने रिजेक्ट कर दिया, या फिर सीओसी 90 दिन के अंदर डिसीजन ही नहीं ले पाए क्योंकि उनको पसंद नहीं आ रहा था। अल्टीमेटली आरपी ने उठाकर एप्लीकेशन फाइल की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने लिक्विडेशन किया। इस सारे गेम की शुरुआत कहां से हुई, सीओसी से, सॉरी कॉर्पोरेट डेटर से। तो ये जितनी भी कॉस्ट है, अब वो कौन बियर करेगा, द आंसर इज कॉर्पोरेट डेटर की बैलेंस शीट में ये सारी कॉस्ट डाल दी जाएगी, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर टू बियर द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, इसी के अंदर लिखना, ये जितना आपने लिखा ना, ये सारा सबसेक्शन 1 था, अब इसी का सेक्शन का 54N का सबसेक्शन 2 है, जो कहता है कि हुआ क्या, कि पीआईआरपी का कमेंसमेंट हुआ, इससे पहले बिफोर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान
अंडर सेक्शन, दो ही सेक्शन है जहां पर अप्रूवल होगी, या तो 54K सबसेक्शन 4 या फिर सबसेक्शन 12। 54K सबसेक्शन 4 या सबसेक्शन 12 में अप्रूवल से पहले 54K 12 या फिर 54 सॉरी 54K 12 या 54K 4, ये दोनों लगने से पहले आरपी ने इन्फॉर्म किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। दौड़ा दौड़ा आरपी आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। जैसे कई बार आता है ना, मोहल्ले का बच्चा, याद हो उस सीन को देखा हो, तो भागता भागता आता, अंकल 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 यहां पे ये यह हो गया। ऐसे ही आरपी दौड़ा दौड़ा आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा, सब्र कर ले सब्र कर ले, क्या हुआ क्या हुआ क्या ये तो बता। आरपी ने कहा, सीओसी ने रिजेक्ट कर दिया प्लान, सीओसी ने रिजेक्ट कर दिया प्लान। इससे पहले कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसे अप्रूव करती, आरपी ने इन्फॉर्म किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि सीओसी ने रिजेक्ट कर दिया प्लान। तो अब क्या करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्या करेगा? कहेगा भाग जाओ यहां से, पीआईआरपी रिजेक्ट, खत्म। और क्या अबाउट डिसीजन बाय सीओसी टू टर्मिनेट पीआईआरपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू पास एन ऑर्डर। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टर्मिनेशन का ऑर्डर पास कर देगी। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत यहां तक? लिख लो जी, पहले लिख लो, मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, आप लिख लो। सही में ग्रह लग रहा है फेवरेबल नहीं है। एक और चीज लिखवाना है इसमें, भूल गया, लिखिएगा। हो गया होगा यहां तक, आई होप। चलो जी, ला 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 ला। अभी पढ़ते हैं फिर समझ आएगा पूरा, सामने समरी रखना ही है तब समझ आएगा। टेक्निकल है थोड़ा सा ज्यादा ये। हाँ जी, अगला सेक्शन क्या, अगला सबसेक्शन कहता है, जो कि सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 3 में तो खैर जान नहीं है, सबसेक्शन 4 है कि वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया है ऑर्डर अंडर सेक्शन 54J सबसेक्शन 2। हे भगवान, ऐसे कोड वर्ड यूज किए ना कि अल्फा टू बीटा, बीटा टू गामा। 54J सबसेक्शन 2 का ऑर्डर है। इसमें क्या होता है, डेटर्स, याद करो जी, वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट किसके पास जाता है? वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट विद आरपी है। तो गिने चुने सबसेक्शन जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है। वेयर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया 54J2 का एंड प्लस पीआईआरपी का टर्मिनेशन हो गया अंडर सेक्शन 54N सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। है जी, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? पीआईआरपी का टर्मिनेशन 54N1 में हुआ। N1 का मतलब डेट इज एप्लीकेशन फाइल की, एप्लीकेशन फाइल की है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि टर्मिनेट कर दीजिए। ओके, एप्लीकेशन
बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की एप्लीकेशन गई है कि भैया टर्मिनेट कर दो, बस खत्म हो गया। यानी कि पहले रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास सारा मैनेजमेंट गया 54J2, और फिर 54N1 लगा, यानी कि एप्लीकेशन फाइल की रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने, क्योंकि रिजेक्ट कर दीजिए, टर्मिनेशन कर दीजिए सारे के सारे प्लान का। तो अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पर भी क्या पास करेगा, वो कहेगा मैं मुझे क्या, अपने बाप का क्या जाता है टू पास द ऑर्डर। किस लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा, किसके लिए ऑर्डर पास करेगा, लिख लीजिएगा, लिक्विडेशन का, और साथ में प्लस जितना भी पीआईआरपी पे कॉस्ट इनकर्ड हुई है, डेट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द लिक्विडेशन नाउ। यानी कि पीआईआरपी कॉस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। आइए, सेक्शन थोड़ा बड़ा है, टेक्निकल है, इसलिए समरी को सामने रखना और फिर एक एक सबसेक्शन को साथ में पढ़ना शुरू करना। समरी सामने सामने रखना ताकि गहराइयों तक जाएगा, दिल की गहराइयों तक। शुरू करूं? पार्थ 2 मिनट देना अभी इस क्वेरी से पहले, अपने आप अभी क्लियर हो जाएगा जब पढ़ने बैठोगे। देखना मेरे साथ पढ़ना शुरू करो, 54N को मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ साथ चलना जी। कहता है जी, वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल्स एन एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक, अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 12 और सेक्शन 54K। लिंक बैठ रहा है। और अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 54D, यही लिखा हमने, या तो प्लान अप्रूव नहीं हुआ या प्लान विद इन द टाइम फ्रेम अप्रूव नहीं हुआ। ओके, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन बाय एन ऑर्डर टर्मिनेट द पीआईआरपी एंड प्रोवाइड फॉर मैनर ऑफ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर चैप्टर नंबर 3। और प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 66 एंड 67A, ये वही प्रोसीडिंग है, बट वो सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, कहां से याद करोगे? तो केवल इतना चैप्टर नंबर 3 याद कर लेना, बस काफी होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी, वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम आफ्टर द पीआईआरपी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द आरपी रेजोल्यूशन प्लान। लो जी, पीआईआरपी कमेंसमेंट डेट के बाद बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, कौन से सेक्शन में, 54K4 या फिर 12 में? ओके, 54K4 अंडर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 12 एज द केस में बी ऑफ सेक्शन 54K। इससे पहले कि प्लान अप्रूव होता, आरपी दौड़ा दौड़ा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गया, आरपी दौड़ा दौड़ा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गया। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बैठी है, देखिए बड़े बड़े बाल, जज टाइप, ये दौड़ा दौड़ा गया, खत्म खत्म सब खत्म खत्म। तो अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? बिफोर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, पढ़ लीजिएगा, वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम आफ्टर द पीआईआरपी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। आप सिंपल रखना केवल, अगर आप मेन लॉ वाले हो, इलेक्टिव लॉ वाले हो तो आपके लिए ये वाली लाइन भी जरूरी है। जो इलेक्टिव लॉ वाले अगर कोई सुन रहे हैं तो ये लाइन भी लिखनी जरूरी है, क्योंकि 66 और 67A आपके सिलेबस में आता है। तो जब मैं 66 या 67A कराऊंगा तब की तब देखेंगे, तो वो लाइन भी काटने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप मेन लॉ वाले हो तो एक काम करना, वेयर द रेजोल्यूशन प्लान एट एनी टाइम आफ्टर द पीआईआरपी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, बस अपने आप पे थोड़ा रहम खाना
और इस शब्द को काट देना, इलेक्टिव वाले अगर आप हो तो मत काटना, बट मेन लॉ वाले काट देना। लो जी, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इंटीमेट करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर अप्रूव्ड बाय अ वोट ऑफ 66% ऑफ द वोटिंग शेयर। वो कहता है जी सीओसी ने डिसीजन ले लिया है कि हमें नहीं चलना प्लान के साथ में, टू टर्मिनेट द पीआईआरपी। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल पास एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन वन। सबसेक्शन वन में कौन सा ऑर्डर है टर्मिनेशन का, तो पढ़ के देखिए समरी क्लियर हुई कि नहीं। ऑर्डर अंडर सेक्शन 54N सबसेक्शन 1। लो जी समरी में ये लिख देना, अंडर सेक्शन 54N सबसेक्शन 1। डन का मैसेज दे देंगे। भाई डन 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 का मैसेज दे दो और आगे बढ़िएगा आप। सबसेक्शन 3 कहते हैं वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेस एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कॉर्पोरेट डेटर शेल बियर द पीआईआरपी प्रोसेस कॉस्ट इफ एनी। तो कौन बियर करेगा प्रोसेस कॉस्ट, कॉर्पोरेट डेटर टू बियर द कॉस्ट। ये मैं यहीं लिखवा चुका था शायद, ये रहा 54N सबसेक्शन 3, 54N सबसेक्शन 3 है ये, ठीक हो गई इतनी बात। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर, ध्यान से पढ़ना इसे अगेन। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन दिस सेक्शन। अच्छा, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज पास्ड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 54J। सेक्शन 54J सबसेक्शन 2 में कौन सा ऑर्डर है जहां आरपी को सारी मैनेजमेंट की पावर दे दी गई है। ओके, एंड द पीआईआरपी इज रिक्वायर्ड टू बी टर्मिनेटेड अंडर सबसेक्शन 1। सारी पावर आपने आरपी को दी, प्लस आरपी ने एप्लीकेशन मूव की सबसेक्शन 1 के अंदर कि सर प्लान को खत्म करो, पीआईआरपी को खत्म करो। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल पास एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज रेफर्ड टू इन। इलेक्टिव वाले तो सलामत रखना, मेन लॉ वाले। लो जी सेक्शन 33 एंड डिक्लेयर दैट द पीआईआरपी कॉस्ट इफ एनी शैल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। फटाफट एक बार अच्छे से ये पॉइंट पढ़ के देख लीजिए दोबारा, बड़े अच्छे से ये पॉइंट पढ़ के देख लीजिए और बताइए कोई भी दिक्कत। इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है जी इनिशिएशन ऑफ द सीआईआरपी। हैं पीआईआरपी खत्म, सीआईआरपी शुरू हो जाएगा। अच्छा ऐसा कब, 54O बताता है कि कब कब। ओके, क्या बताता है 54? इनिशिएशन ऑफ CIRP सेक्शन 54
इसकी रिवीजन क्लास मैं अगले चंद दिन में ही लेने वाला हूं, केवल पीआईआरपी की पूरी प्रोसेस की, क्योंकि ये सेक्शन इतने मिलते जुलते हैं आपस में, ऐसे मर्ज होते हैं कि पक्की बात है कि कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए इसकी एक रिवीजन क्लास मैं लेने वाला हूं अगले इसी हफ्ते के अंदर अंदर मैं रिवीजन क्लास लूंगा, और उस रिवीजन क्लास को अपने पास सेव करके रख लेना ताकि एग्जाम के दिनों में भी, देखो मैं बिलीव नहीं करता कभी भी मैराथन लेने में, मुझे लगता है मैराथन जो बच्चे लेने आते हैं, क्योंकि एक ना कल्चर बन गया, एक फैशन सा बन गया है मैराथन लेने का, जहां पर हर टीचर को जाना पड़ता है, मैं भी जाऊंगा शायद, कंफर्म नहीं कर रहा मैं इस बार जाऊंगा कि नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग, बट अगेन शायद थोड़ी देर के लिए आऊं या मैक्सिमम 1-2 घंटे के लिए आऊं, बट मैं वो स्ट्रेटेजी बताने आऊंगा। अब मैं मैराथन लंबी लंबी 8-8, 10-10 घंटे की नहीं लेने वाला, बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ये बच्चे के साथ भी अत्याचार होगा। मैराथन नहीं होनी चाहिए फ्रेंकली स्पीकिंग, मैराथन का मतलब है कि आपने खुद अपने आप पढ़ाई नहीं की, वो जो 1.5 दिन होता है, वो जो 1.5 दिन होता है ना एग्जाम से पहले का, वो सेल्फ स्टडी के लिए होता है कि फटाफट पेजेस को गो थ्रू कर लो, वो उस मैराथन के लिए नहीं होता कि वहां पे भी आपको टीचर की जरूरत पड़े, और अगर ऐसे पढ़ रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर मैं किसी मैराथन में नहीं आऊंगा। हाँ मैं पीआईआरपी की आपको रिवीजन जरूर दूंगा, ये क्योंकि सेक्शन इतने गुचमुच वाले सेक्शन हैं कि आप आराम से पीआईआरपी की रिवीजन कर सकें, इसके मैं आपको फैसिलिटी दे, इसके लिए मैं आपको एक बना दूंगा। सिमिलरली फेमा के अंदर ऐसा ही टॉपिक है ईसीबी, जो 4 घंटे की क्लास होगी हमारी लगभग, तो फेमा के अंदर जब ईसीबी का टॉपिक आएगा तो वहां पे भी मैं आपको रिवीजन क्लिप दूंगा। तो ऐसे बहुत जो टेक्निकल मुद्दे हैं ना, जो आपको परेशान कर सकते हैं रिवीजन टाइम पे, जो दिल करेगा यार इनकी रिवीजन कैसे करें, उनको मैं कोशिश करूंगा 40 से 45 मिनट की रिवीजन में कवर करने की। ऐसे ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग प्लस ये दोनों टॉपिक्स में ऐसे ऐसे रिवीजन करूंगा, और ये आपको पहले से ही दे दूंगा। अगेन उस मैराथन में भी नहीं आऊंगा मैं, मतलब उससे पहले ही आपको ये करवा दूंगा ये चीजें, ताकि प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनिशिएशन ऑफ द सीआईआरपी के लिए। ये दो कॉन्सेप्ट आपको परेशान करेंगे, एक फेमा के अंदर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और ये यहाँ के अंदर पीआईआरपी। तो इसलिए चलिए इनिशिएशन ऑफ द सीआईआरपी, एग्जाम से पहले कुछ चैप्टर की रिवीजन आएंगी, और बिल्कुल आएंगी, वो प्लान ऑलरेडी है मेरा 54O। अब बड़े ध्यान से अब यहां पे कंसंट्रेट करना पड़ा। हाँ जी पीआईआरपी का कमेंसमेंट हुआ, इससे पहले कि उसका अप्रूवल होता, बिफोर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 54K सबसेक्शन 4 या फिर सबसेक्शन 12, हुआ क्या 66% की मेजॉरिटी के द्वारा सीओसी ने डिसाइड किया, चलो सीआईआरपी में चलते हैं, जहां पे कमान अपने हाथ में लेते हैं, इनके हाथों में कमान देने का कोई लॉजिक नहीं है, इनके हाथों में कमान देने का लॉजिक नहीं है, कमान अपने हाथों में लेते हैं तो अब क्या होगा। सीओसी में रिजॉल्व टू स्टार्ट द सीआईआरपी इफ कॉरपोरेट डेटर जो है वो एलिजिबल है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट है, तभी ऑर्डर पास होगा, बड़ी सीधी सी बात है। ठीक हो गई इतनी बात। आगे सबसेक्शन 2, ये कहता है जी ऐसा है कि वेयर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने इंटीमेट कर दिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इस सीओसी के डिसीजन के बारे में कि सर जी सीओसी का डिसीजन ये है कि नहीं जी अब सीआईआरपी में ही जाना है,
हमने पीएआरपी में नहीं जाना, हम सारी कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ऐसे कंपनी के हाथों में नहीं देना चाहते। ओके टू पास एन ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू पास एन ऑर्डर विद इन 30 डेज। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 30 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगी। किस चीज का ऑर्डर पास करेगी? टू जे टू 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 टर्मिनेट कर दो पीआईआरपी को। एंड इनिशिएट कर दो सीआईआरपी को। एंड ये जो आरपी है इसे आईआरपी बना दो। अब अपॉइंट आरपी इज इक्वल टू आईआरपी बना दो अब इसे। परंतु बनाने से पहले उसकी रिटर्न कंसेंट ले लो, क्या वो काम करने को तैयार है? सब्जेक्ट टू रिटर्न कंसेंट। एक बात और, जो पीआईआरपी की कॉस्ट होगी अब वो सीआईआरपी की कॉस्ट मान ली जाएगी। जो पीआईआरपी की कॉस्ट होगी ना वो अब किसकी कॉस्ट मान ली जाएगी? सीआईआरपी की कॉस्ट मान ली जाएगी। आई होप कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख लिया, बढ़ सकते हैं आगे यहां से। चले आगे। फिल लॉ कहता है जी ऐसा है, कि अगर आरपी रिटर्न कंसेंट नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा? आईबीबीआई को क्या क्या नया व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा? बात तो सीधी सी है। इफ आरपी फेल्स टू सबमिट रिटर्न कंसेंट तो फिर क्या होगा जी? मैं कह सकता हूं कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू मेक रेफरेंस। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रेफरेंस देगी। किसको रेफरेंस देगी? टू आईबीबीआई को। याद करो जी, याद आ रहा है? एज पर सेक्शन 16 लगा था, ये सेक्शन 16 लगा था इस केस में आईआरपी वाले में। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मान लीजिए सबसेक्शन 2 में ऑर्डर पास हो जाता है, सीआईआरपी इनिशिएट करने का ऑर्डर पास हो जाता है कि सीआईआरपी को इनिशिएट करो, अपॉन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन या सबसेक्शन 2, तो सीआईआरपी इनिशिएट हो जाएगी। बट समस्या क्या है पता है? सीआईआरपी इनिशिएट किसके इनिशिएटिव पे होती है? पहला कॉर्पोरेट डेटर के, दूसरा फाइनेंशियल क्रेडिटर के, तीसरा ऑपरेशनल क्रेडिटर के। यहां पे क्या माना जाएगा? कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने डिसाइड किया है ना। कमिटी ऑफ क्रेडिटर किसकी होगी? फाइनेंशियल क्रेडिटर की। तो जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर फाइनेंशियल क्रेडिटर की है तो यह माना जाएगा कि सीआईआरपी एट द इनिशिएटिव ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर हुई है। समझ आई बात? तो सीआईआरपी किसके इनिशिएटिव पे मानी जाएगी? फाइनेंशियल क्रेडिटर के। दिस ऑर्डर का मतलब होगा, ये जो ऑर्डर पास हुआ है इज इक्वल टू एडमिशन अंडर सेक्शन 7। एडमिशन ऑफ सीआईआरपी अंडर सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर की एप्लीकेशन पे। साथ में सीआईआरपी का कमेंसमेंट हो जाएगा,
साथ में चैप्टर थ्री की प्रोसीडिंग, वही अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन की प्रोसीडिंग चलती रहेंगी टू कंटिन्यू। और वो जो पीआईआरपी में जो पीरियड है ना, पीआईआरपी का पीरियड, वो भी अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन के लिए कंसीडर्ड किया जाएगा, ध्यान रखना वो पीरियड भी कंसीडर्ड किया जाएगा, यानी कि पीआईआरपी पीरियड टू बी कंसीडर्ड इन पीरियड फॉर अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन। जी अरुण जी लिख लो जी, यहां तक लिख लो, फटाफट लिखो यहां तक, मैं जरा बैटरी चेंज कर लूं इतना। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो पहली एक दो बार तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा, जहां पे केवल आपसे यही पूछेगा कि सिचुएशन जहां पर सीपीआईआरपी खत्म हो जाएगी, सीआईआरपी शुरू हो जाएगी, या वो सिचुएशन जहां पर लिक्विडेशन हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन ही बनाएगा वो पहले कुछ बार में, तो अभी कुछ टाइम तक तो। फिर भी मैं इसका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन जल्द उठाऊंगा अभी, और इसके प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में मैंने यूनिक प्रॉब्लम दी हुई है, कुछ बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम इंक्लूडिंग पीआईआरपी के ऊपर, क्योंकि अभी तक तो आया नहीं कुछ, बट फिर भी पीआईआरपी के ऊपर प्रॉब्लम पूछ सकता है, तो कैसे पूछ सकता है, वहां पर चर्चा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में करेंगे। सबसे पहले मैं इसी का प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन उठाने वाला हूं, असाइनमेंट आपको अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा, अभी चले आएगा। इनिशिएशन ऑफ द सीआईआरपी सेक्शन 54O, सामने रखना अपनी समरी और कंपेयर करते जाना। कहता है जी कमिटी ऑफ क्रिएटर एट एनी टाइम आफ्टर द पीआईआरपी कमेंसमेंट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान अंडर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 12 एज द केस मे बी ऑफ सेक्शन 54K। इलेक्टिव वाले तो एज इट इज रखें, बट मेन वाले अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन कर दें बस 54K, बस ठीक है आगे, या ये भी छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं। बाय अ वोट ऑफ 66% ऑफ द वोटिंग शेयर मे रिजॉल्व टू इनिशिएट A CIRP in respect of the corporate debtor if such corporate debtor is eligible for CIRP. मेन लॉ वाले ठीक है पढ़ लो जी, ये रहा, कोई दिक्कत, डन का मैसेज दे दो, डन का मैसेज दे दो। सबसेक्शन 2, notwithstanding anything to the contrary contained in subsection 2, where the RP intimate the adjudicating authority of the decision of the committee of creditor under subsection 1. Okay.
द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 30 डेज ऑफ सच इंटीमेशन पास एन ऑर्डर टू टर्मिनेट द PIRP एंड इनिशिएट CIRP. Appoint the RP as an IRP subject to submission of written consent by such RP to the adjudicating authority and declare that the PIRP cost, if any, shall be included as a part of the CIRP cost for the purpose of CIRP. Padho ji. Subsection 2. कोई दिक्कत नहीं. सबसेक्शन 3. वेयर द आरपी फेल टू सबमिट रिटन कंसेंट अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल अपॉइंट एन आईआरपी बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू द बोर्ड फॉर द रिकमेंडेशन इन द मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16. पढ़ लो जी सबसेक्शन 3 भी. फिर आता है सबसेक्शन 4. वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पासेस एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 कौन सा ऑर्डर पास किया सबसेक्शन 2 में? उसने पास एन ऑर्डर टू टर्मिनेट द PIRP एंड इनिशिएट CIRP का ऑर्डर पास किया है. तो सबसेक्शन 2 का ऑर्डर क्या है? टू इनिशिएट CIRP, दैट इज टू इनिशिएट CIRP. Such order shall be deemed to be an order of admission of application under section 7 and shall have the same effect. अच्छा, एक तमन्ना कहती है कि CIRP के 180 डेज टोटल में PIRP में जो टाइम लगा वो इंक्लूड नहीं होगा CIRP, क्योंकि हम तो IRP अपॉइंट कर रहे हैं ना. अब तो यहां से डे वन शुरू होगा. आप मतलब जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ उस दिन माना जाएगा डे ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 है. तमन्ना क्लियर है? और बाकी सभी बच्चे जिनके दिमाग में डाउट आ सकता है, अच्छा डाउट था, क्लियर. द CIRP शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर. देखो जी, ठीक है. द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर चैप्टर 3 शैल कंटिन्यू ड्यूरिंग द CIRP. मेन लॉ वालों काट देना इसे. फॉर द पर्पस ऑफ 43, 46, 50 रेफरेंस टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट शैल मीन PIRP कमेंसमेंट डेट. 43, 46 एंड 50 वो जो अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन है वहां पर जहां जहां इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट लिखी है वो PIRP की कमेंसमेंट डेट मानी जाएगी. PIRP कमेंसमेंट डेट मानी जाएगी फ्रॉम PIRP कमेंसमेंट डेट. मतलब हमने दूसरे शब्दों में क्या कहा कि PIRP का पीरियड इंक्लूड होता है, यही लिखा ना समरी में. एंड इन कंप्यूटिंग द रेलेवेंट टाइम और द पीरियड फॉर अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन द टाइम पीरियड फॉर ड्यूरेशन ऑफ द PIRP शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड. तभी तो उसकी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की जगह हम PIRP कमेंसमेंट डेट मान रहे हैं. बात समझ आई? PIRP कमेंसमेंट डेट क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? PIRP कमेंसमेंट डेट क्यों मानी गई? उल्टा इस दिन से लेना चाहिए हमें एक 2 साल और 1 साल पहले की ट्रांजेक्शन. वो इसलिए क्योंकि जब PIRP चल रही थी तब भी तो अवॉइडेबल ऑफ ट्रांजेक्शन को तो आप वैसे ही कंसीडर कर रहे थे ना. अवॉइडेबल ऑफ ट्रांजेक्शन तो आप देख ही रहे थे, प्रोसीडिंग जो है चैप्टर 3 की तो वो कंटिन्यू ही थी. तो इसलिए उन ट्रांजेक्शन के लिए CIRP कमेंसमेंट डेट दोबारा से शुरू नहीं किया जाएगा. कुछ इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी वो चल रही थी. लिख लीजिएगा सेंस For these transaction, proceedings were in continuation even during PIRP. Thus, no point to reconsider the whole proceeding again. लो जी,
पीएईआरपी टर्मिनेट हो गया, मगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग तो पहले से चल रहा था ना, तो इसलिए सेक्शन 43, 46 और 50 की ट्रांजैक्शन के लिए आप दोबारा से सीआईआरपी की कमेंसमेंट डेट से 2 साल या 1 साल नहीं देखेंगे। आप जो पीआईआरपी की कमेंसमेंट डेट से देख रहे थे वहीं से ही देखेंगे। एंड लास्ट वो कहता है इन कंप्यूटिंग द रेलेवेंट टाइम और पीरियड फॉर अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन, जब मैं अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन की बात करता हूं, इन कंप्यूटिंग द रेलेवेंट टाइम और पीरियड फॉर द अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन, द टाइम पीरियड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द पीआईआरपी शेल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। मतलब यह है कि जब मैं अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन की काउंटिंग करता हूं, टाइम पीरियड रेलेवेंट टाइम क्या होता है, टू इयर्स और 1 ईयर, ये 2 साल या 1 साल कहां से देखे जाते हैं? हम 2 साल या 1 साल देखते हैं फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, यानी कि जिस दिन सीआईआरपी का कमेंसमेंट हुआ वहां से हम देखते हैं, यही करते हैं। अब वो पहले पॉइंट में क्या कहता है, डी पॉइंट में, कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट का मतलब क्या होगा इन सेक्शन के लिए, पीआईआरपी कमेंसमेंट डेट। ओके, तो यहां पर देखा जाएगा फ्रॉम पीआईआरपी कमेंसमेंट डेट, यानी कि 2 साल या 1 साल कहां से देखे जाएंगे, पीआईआरपी कमेंसमेंट डेट से। अच्छा, ये बात किसने की हमारे पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर डी ने की, क्लियर हो गई इतनी बात, एज पर पॉइंट नंबर डी, एज पर क्लॉज नंबर डी। अब क्लॉज नंबर ई पे आइएगा, क्लॉज नंबर ई पे वो कहता है क्लॉज नंबर ई कि इन कंप्यूटिंग द रेलेवेंट टाइम और पीरियड फॉर अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन, ये जो पीरियड हमने देखा है, द टाइम पीरियड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पीआईआरपी, जितने टाइम तक पीआईआरपी चली है इसे भी इंक्लूड कर दो। है जी, बट ये तो फिर 2 साल और 1 साल की धज्जियां उड़ गई, तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन 43, 46, 50। तो यानी कि इनके अंदर नाउ एज पर, समझ आई बात, क्लॉज नंबर ई एड पी आई आर पी पीरियड आल्सो, पी आई आर पी पीरियड आल्सो, लो जी, तो इस पीरियड की सारी ट्रांजैक्शन को अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन में चेक किया जाएगा। समझ आया? बोलो ना। हां, तो पीआईआरपी के कमेंसमेंट से 2 साल पहले या 1 साल पहले देखा हमने, फिर पीआईआरपी का पीरियड भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि पीआईआरपी पीरियड के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन तो चल रही थी, ठीक है, चल रही थी। और दूसरी बात, क्योंकि यहां पर भी मैनेजमेंट तो कॉरपोरेट डेटर के पास था, तो इसलिए क्लियर हो गई इतनी बात। वाइसो सिंस ड्यूरिंग दिस पीरियड आल्सो मैनेजमेंट of affairs vested with corporate debtor, तो वो किसके पास वेस्ट था, कॉर्पोरेट डेटर के पास वेस्टेड था। लिख लो जी, लिख लो, और एक बार दोबारा फटाफट पूरा सबसेक्शन पढ़ के देख लो, पूरा सेक्शन पढ़ के देख लो,
पूरा सेक्शन अच्छे से पढ़ो। लो जी, अब हमारा एक सेक्शन रह गया है, जरा इस सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं, जिसका नाम था 54D। हालांकि 54F मैं नहीं कराऊंगा, 54F मैं आपको होमवर्क में पढ़ने के लिए देता हूं, क्योंकि प्यूरी PIRP पढ़ने के बाद अब कुछ भी नहीं बता 54F में। इसमें अभी तक जहां जहां जितनी ड्यूटीज आई हैं आरपी की, चाहे आरपी ने रिपोर्ट्स बनाई हो, चाहे आरपी ने एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फाइल की हो, ये सारी की सारी चीजें 54F में उसकी ड्यूटीज एंड राइट्स में दिए गए हैं। तो एक्चुअल में 54F इज अ क्रक्स, इज अ समरी ऑफ द होल PIRP प्रोसेस। तो उसे आप एक बार घर पे देख सकते हो। मैं जो सेक्शन अभी कराऊंगा वो है 54D। 54D, 54F को आप तब पढ़ना जब मैं इसकी समरी करा लूँ, ठीक है ना। मैं समरी अगले 4-5 दिन के अंदर ही करा रहा हूँ, इसकी पूरी एक बार रिवीजन, सॉरी रिवीजन अगले 4-5 दिन के अंदर ही करा रहा हूँ, समरी नहीं रिवीजन। अजीत गुप्ता जी कहते हैं कि सपोज अगर 54O सबसेक्शन 1 में कॉर्पोरेट डेटर एलिजिबल नहीं है तो फिर लिक्विडेशन में जाओ, और क्या कोई ऑप्शन नहीं। हाँ जी, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ द PIRP, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ PIRP, लो जी 54D। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ PIRP, जी क्या कहता है लॉ? कहता है जी ऐसा है, ये हुआ PIRP का कमेंसमेंट। अपनी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन करने के बाद IBC में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, धुरंधर क्वेश्चन डाले हुए हैं। हाँ जी, ये हुआ PIRP का कमेंसमेंट, ये हुआ उसका कंप्लीशन। कमेंसमेंट से 90 दिन, कमेंसमेंट से 90 दिन के अंदर सबमिशन होगा बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ, बाय टू ऑफ रेजोल्यूशन प्लान अपॉन अप्रूवल बाय COC। सबमिशन बाय रेजोल्यूशन प्लान टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, सॉरी सबमिशन ऑफ सबमिशन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान अपॉन द अप्रूवल बाय द COC। यानी कि COC से अप्रूवल लेने के बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्लान को लेकर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 90 दिन के अंदर जाएगा। परंतु अगर 90 दिन में ना जा पाया तो, इफ नॉट अप्रूव्ड, याद करो 54D सबसेक्शन 3 का रेफरेंस दिया था, बाय COC, तो आरपी जो है एप्लीकेशन फाइल करेगा टू फाइल टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर टर्मिनेशन
ऑफ पीआईआरपी। बड़ी सीधी सी बात है कि पीआईआरपी को टर्मिनेट कर दो। फिर पीआईआरपी को टर्मिनेट कर दो, वो इसकी एप्लीकेशन दे देगा कि टर्मिनेट द पीआईआरपी। ठीक है, अब मान लीजिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है 30 days फॉर अप्रूवल। ये बात कहां लिखी हुई है? 54L में। रिकॉल कर सकते हो फटाफट 54L को? 30 दिन के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रूवल देना पड़ेगा। आइए 54D को पढ़ना शुरू करते हैं। 54D शुरू करूं? द पी आई आर पी शेल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 120 days फ्रॉम द पी आई आर पी कमेंसमेंट डेट। 90 प्लस 30, 120 days। 90 प्लस 30, 120 days हो गया। ओके, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान एज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 12 एज द केस मे बी ऑफ सेक्शन 54K। अप्रूवल के लिए याद है 54K का सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 12 लिख सकते हो। सिंपल लिखना चाहते हो टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इट्स अप्रूवल। अंडर सेक्शन 54K मेन वाले, इलेक्टिव वालों को छेड़छाड़ नहीं करनी, मेन वाले छेड़छाड़ कर दें, ये लाइन काट दें। विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द पी आई आर पी कमेंसमेंट डेट। तो रेजोल्यूशन प्लान 90 दिन में सबमिट हो जाएगा। वेयर नो रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द सीओसी विद इन टाइम पीरियड रेफर टू इन सबसेक्शन 2, दैट इज 90 days। सच रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल ऑन द डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टाइम पीरियड फाइल एन एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द पी आई आर पी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। टर्मिनेशन, ठीक हो गई इतनी बात? लिख लो जी, लिख लो, नोट कर लो। सुनना जी, मैं अभी की क्लास ना अभी यहीं खत्म कर रहा हूं, और अभी इसमें ना दो सेक्शन अब पिद्दे पिद्दे से रह गए, एक सेक्शन 11 और 11A, जिन्हें मैं कल नहीं होगी मॉर्निंग में, परसों मैं बाहर हूं, सैटरडे को नहीं होगी, संडे को नहीं हो, संडे संडे को होगी, संडे को होगी, संडे को वो पिद्दे से पिद्दे सेक्शन कराने में मुश्किल से मुझे लगेंगे 15 मिनट, 15 मिनट भी नहीं, आधा 20 मिनट लगेंगे आप, 15 मिनट नहीं, 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं कॉन्टिन्यूएशन में वाइंडिंग अप का सेक्शन 326 शुरू कर दूंगा। वाइंडिंग अप का सेक्शन 326 में शुरू कर दूंगा। 54P नहीं करना, 54P छोड़ दो, वो टर्म्स बताई गई हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, यहाँ पर वो नहीं करना। 54F करना है, वो मैं घर से करने के लिए दिया हूँ। और ठीक है, मुझे बच्चों के ना स्कूल जाना है इमीडिएटली अभी, तो मैं निकल रहा हूँ अभी, तो आप प्लीज़ देखिएगा। हाँ, क्वेरी ग्रुप खुलवा रहा हूँ। चलो, थैंक यू, थैंक यू। तो संडे को क्लास लूँगा जिसमें वाइंडिंग अप शुरू हो जाएगा, और हाँ 12A जो भी पेंडिंग है वो सारे उस दिन निपट जाएंगे। 12A भी पेंडिंग है, समझ गया मैं। तो वाइंडिंग अप का 326 प्लस रिमेनिंग तीनों सेक्शन निबट जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। छूट गया है उनके लिए फेमा दोबारा आने वाला है, जिनके लिए फेमा छूट गया उनके लिए फेमा अभी दोबारा आने वाला है, मैं बता दूंगा।
अगले हफ्ते तक बता दूंगा, एक बार दोबारा आएगा। थैंक यू।